बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर्स तक हमने डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड तमाम थ्योरेटिकल चैप्टर्स को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आगाज करेंगे और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जिस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डेटाबेस से क्या मुराद है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। और इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जरिए स्टोर करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट हमें कुछ और टूल भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेबुलर यानी टेबल्स की शक्ल में स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल वगैरह, जिसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो फिर व्हाई वी नीड अ पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर स्टोरिंग दैट डेटाबेस, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दोस्तों, एमएस एक्सेल हम सिर्फ डेटाबेस को एमएस एक्सेल में हम सिर्फ डेटाबेस को एंटर करवा सकते हैं और उस डेटा पर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एमएस एक्सेस के जरिए हम ना सिर्फ डेटाबेस को स्टोर करवा सकते हैं बल्कि उस डेटाबेस के जरिए हम मल्टीपल चीजों को जनरेट करवा सकते हैं, जैसे टेबल्स को जनरेट करवा सकते हैं, यानी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ना सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकते हैं बल्कि उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में व्यू भी कर सकते हैं। इसी तरह वी कैन जनरेट क्वेरीज, यानी वी कैन क्रिएट क्वेरीज इन एमएस एक्सेस, यानी हम क्यूरीज के जरिए से एक बड़े डेटाबेस में से अपना मतलूबा डेटा रिट्रीव करवा सकते हैं और फिर उस डेटा पर रिट्रीव करवाने के बाद मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, उसमें मजीद डेटा को एंटर कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद वी कैन जनरेट फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस। दोस्तों, एमएस एक्सेस के जरिए हम फॉर्म की शक्ल में डेटा को एंटर करवा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म्स में डाटा को एंटर करना यूजर यानी आप जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसीलिए एमएस एक्सेस आपको फॉर्म्स में डाटा को एंटर करने और एडिट करने की सहूलत भी मुहैया करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कैन आल्सो जनरेट रिपोर्ट्स। दोस्तों, एमएस एक्सेस में चार मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो जो डाटा आपने टेबल की शक्ल में स्टोर करवाया होता है, एमएस एक्सेस में हम कुछ क्लिक्स की मदद से उन टेबल के जरिए रिपोर्ट्स को भी जनरेट करवा सकते हैं और वो रिपोर्ट्स फिर आप क्लाइंट्स और हायर मैनेजमेंट से शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आप अपने पीसी में किस तरह से एमएस एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉल करते ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के कई और टूल्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं, जिनमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और साथ के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि हम अपने पीसी में, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो इंस्टॉल कर लिए, लेकिन अब हम किस तरह से एमएस एक्सेस को अपने पीसी के अंदर ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके दो तरीकेकार हैं। पहला तरीकेकार है इस स्टार्ट बटन के जरिए, जबकि दूसरा तरीकेकार है इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर रहते हुए। तो दोस्तों, आइए पहले तरीकेकार पे चलते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक का बटन दबाएंगे, यानी माउस पर मौजूद जो राइट क्लिक है, राइट बटन है, उसको प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करते ही आपके सामने ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा और इस मेन्यू में आपको कई सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले इस न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही आप इस न्यू के ऑप्शन पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आपके सामने ये एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा और इस मेन्यू में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है फोल्डर्स, देन शॉर्टकट और उसके बाद आपको नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। लेकिन दोस्तों, आप इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पर क्लिक नहीं करेंगे बल्कि आपको जो थर्ड पर नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, जिसके आगे आपको ये की भी बनी हुई नजर आ रही है, आप माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक इस पर दबाएंगे। यानी जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे और माउस पर मौजूद लेफ्ट क्लिक का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सेस का ये जो एक लोगो है वो नजर आएगा और साथ के साथ ये फिर स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पर आपको नजर आ रहा है होम, न्यू, ओपन, ये सब क्या है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे।
अभी बस आप ये याद रखिए कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो पर जा सकते हैं। अब दोस्तों इस स्क्रीन पर आप कीबोर्ड पर मौजूद जब एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो उसको प्रेस करते ही आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो। अब इस एप्लीकेशन विंडो पर आप गौर करें तो आपके सामने तमाम बटन्स, तमाम एलिमेंट्स जो हैं इस विंडो के आपको डीएक्टिवेट नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर आप गौर करें तो आप इनको क्लिक भी करेंगे तो ये ओपन नहीं हो सकते, ये अपना काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये किस तरह से एक्टिवेट होंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप किस तरह से अपने पीसी के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीके का, अब आइए दूसरे तरीके पर चलते हैं। दोस्तों हम दोबारा से इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो आपको बॉटम की तरफ सबसे पहला बटन नजर आ रहा है जो कि विंडोज का लोगो है जिसको स्टार्ट बटन भी कहा जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और दोस्तों स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, आपको यहाँ इस हैश के नीचे जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं वो आपको अल्फाबेटिकली नजर आ रहे होते हैं, यानी ए से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल होंगे आपको वो नजर आएंगे, इसी तरीके से बी से रिलेटेड, इसी तरीके से सी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो आप जानते हैं कि एक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो यहाँ पर ए के नीचे ही आपको सबसे पहला नजर आ रहा है एक्सेस का प्रोग्राम। तो दोस्तों आप इस पर लेफ्ट क्लिक, माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये दोबारा से एक्सेस का लोगो शो होगा, विच मींस कि आपकी ये विंडो एक्सेस की ओपन हो गई है। लेकिन एप्लीकेशन विंडो ओपन करने के लिए आप दोबारा से पुराना वाला काम करेंगे, यानी आप कीबोर्ड पर मौजूद एस्केप की को प्रेस करेंगे और उसको प्रेस करते ही आप एक्सेस की इस एप्लीकेशन विंडो के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर ओपन करवा सकते हैं। उसको क्लोज करने का तरीका ये है कि आपको टॉप पर राइट हैंड साइड पर आपको ये क्रॉस का बटन नजर आ रहा है, तो आप जैसे ही इस पर क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ जिसमें हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पीसीज के अंदर हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करवा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।